पूरे मध्य प्रदेश में जहां लगातार तेज बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जहां पर सूखा पड़ रहा है। ऐसे में यहां अच्छी बारिश के लिए लोग टोटके का सहारा ले रहे हैं। यहां के रहवासियों ने अच्छी बारिश के लिए दो गधों की शादी करवा दी ताकि इंद्र देवता खुश होकर झमाझम बारिश कर दे। छतरपुर में गधा और गधी की शादी करवाई गई। उनकी बारात में शहर के नेता, व्यापारी और समाज सेवियों ने जमकर ठुमके लगाए, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जोड़े को भी लड्डू खिलाए गए। इसका वीडियो सामने आया तो हर कोई हैरान हो गया और यही सोचने लगा कि आखिर ऐसा गजब कारनामा क्यों किया गया। दरअसल गांव के बुजुर्गों और रहवासियों का कहना है कि छतरपुर में 15 जून के आसपास बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। इस स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीणों ने मिलकर ये प्राचीन टोटका अपनाया जिससे इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाता है। इस अनोखी शादी में सभी समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया। गधे की शादी से रहवासियों और खासकर किसानों को बहुत उम्मीद है। छतरपुर के किसानों का मानना है कि इस टोटके के बाद इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में अधिक बारिश हो रही है और कहीं कहीं कम बारिश हो रही है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत कम बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने बुजुर्गों द्वारा बताए गए टोटके गधा गधैया की शादी की है और बढ़िया हम लोग बारात लेके आए हैं और चौक बाजार पे बढ़िया डांस हुआ है और सबको बढ़िया मिठाई खिलाई गई है और गधे का सम्मान किया गया है। अपने पूरे मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है लेकिन छतरपुर उससे सूना हुआ है। उसी एक तारतम्य में एक कहावत है कि अगर गधा गधैयों की शादी कराते हैं एक टोटका के रूप में, तो उसी तारतम्य में हम लोगों ने बाकायदा एक सिस्टम से एक बारात निकालकर दूल्हा दुल्हनिया को मिठाई खिलाकर और सभी धर्मों का एक भाईचारा बना रहे, उस तारतम्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिससे हमारे छतरपुर शहर में एक बारिश हो और लोगों के दिल मनहाल और खुशहाल हो। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में पानी गिर रहा है लेकिन हमारे छतरपुर शहर में काफ़ी दिनों से पानी नहीं गिरा, जबकि जो छतरपुर में जो पानी आना चाहिए वो 15 जून के आसपास आना चाहिए। 15 जून से लेकर आज तक पानी ना के बराबर गिरा है। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मित्रों ने, सभी लोगों ने सलाह दी कि गधा गधैया की जो शादी अगर आप करा दो, ये एक ऐसा टोटका है इससे भगवान इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों ने आज ये गधा गधैया का विवाह सम्पन्न कराया है और सभी लोगों ने आपने देखा कि डांस भी किया, मिठाइयाँ भी बांटी और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि छतरपुर शहर में अधिक से अधिक पानी गिराएं ताकि हमारे किसान भाई के चेहरे खिलें, हमारे गरीब भाइयों के चेहरे खिलें और शहर में जो पानी की कमी है उस पानी को पूर्ति हो जाए, यही हम लोगों ने आज प्रार्थना की है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।